भाइयों, आज हम रिव्यू करेंगे मेसी फर्गुसन के 241 डायनाट्रैक मॉडल को। ये बिल्कुल नया मॉडल आया है मेसी की तरफ से और इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। कंपनी ने 5 की फीचर्स ऐसे डाले हैं जो कि बिल्कुल यूनिक दिए गए स्ट्रक्चर में। सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको फैक्ट्री फिटेड 45 kg का बम्पर मिलता है जिससे कि आपको काफी अट्रैक्टिव लुक दिखता है। उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो 241 DI मेसी फर्गुसन की आपको ब्रांडिंग दिख जाएगी। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो इसके मड गार्ड दिए गए हैं ये ट्रेडिशनल स्टाइल में दिए गए हैं। अब इन सब के बाद जो इसका मेन पार्ट है, अगर इसके इंजन की हम बात करें तो इंजन के पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेडिएटर है इसके सामने जाली लगाई गई है। ये जो जाली है कचरा और मड को रोकने के लिए है। उसी के साथ आप इसे आसानी से निकाल भी सकते हैं। साइड से अगर आप इसे बाहर निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाती है और आप साफ करके इसे वापस डाल सकते हैं, जिससे कि रेडिएटर की लाइफ भी लंबी रहेगी और आपके ट्रैक्टर की लाइफ भी लंबी रहेगी। ये ओवरफ्लो विद रिजर्वॉयर दिया गया है, मतलब इसके अंदर रिजर्व की टंकी लगाई गई है। वहीं अगर हम इसके इंजन की डिटेल देखें तो जो इसका इंजन है वो सैमसन T3AS325 नाम से आता है। वहीं ये 3 सिलेंडर में आता है और ये नॉन टर्बो दिया गया है और ये 42 HP की जो पावर है वो 2000 rated RPM पर प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर हम इसकी सीसी की बात करें तो ये 2500 cc का इंजन दिया गया है जो कि डायरेक्ट इंजेक्शन में आता है और ये पावर स्टेरिंग के लिए लगाया गया है, मतलब इसका जो पावर स्टेरिंग है ये सेपरेट ऑयल सिस्टम के साथ आता है जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे किसान भाइयों के लिए। इसका मेंटेनेंस आपको कम रखना पड़ता है। उसी के साथ इसमें